कपड़े में और कतरन से आप सिर्फ सुई और धागा से बिल्कुल आसानी से ये गर्म चप्पल आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा, बहुत ही कंफर्टेबल और गर्म करेगी। तो आप बनाइए सिर्फ सुई और धागा से और जे हुए कतरन से। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बचे हुए कतरन से बहुत ही सुंदर गर्म जूती बनाना सिखाएंगे। वीडियो में बने रहें, बिल्कुल स्किप मत करिए, स्किप करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये बचा हुआ कतरन है ये शॉल का कपड़ा है, ये ऊनी का है। फ्रेंड्स, ये अपना हम ले रहे हैं, ये हमारे पैर का नाप का हिसाब का है। आपका पैर का हिसाब का जौन सा है आपका चप्पल सैंडल वो आप ले लीजिए, इस तरह से ले लेंगे। अब जितना ये है इसको बराबर से गोलाई से नाप लगा देंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पैर का दोनों चप्पल को इस तरह से रखते हुए, स्लीपर को रखते हुए दोनों पैर इस तरह से, फ्रेंड्स देखिए दोनों स्लीपर का रखते हुए इस तरह से देखिए नाप लगा दिए हैं। आप भी इस तरह से लगा दीजिए, दोनों पैर का हो गया। इसको काट लेंगे, भी काट लेंगे फ्रेंड्स, नीचे और ऊपर दो दो चार लगेगी, तो इसके लिए इसको काट के हटा लेंगे, फिर यहाँ पे रख के एक और काट लेंगे, इसको रख के एक और काट लेंगे, यानी चार निकाल लेंगे सबसे पहले ये वाली। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दो लेयर में इस तरह से इसको रखते हुए कटिंग कर दिए हैं, दो दो चार हो गया मेरे पास। ये जो निशान लगाए हैं उसके थोड़ा थोड़ा बाहर कटिंग करनी है, अंदर कटिंग नहीं करनी है। आप भी इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब इसको मजबूती देने के लिए, ताकि पैर में अच्छे से टिका रहे, इसके लिए इस तरह के फॉर्म लेंगे जिसे पहुँचा बनाते हैं, सलवार के पहुँचे बनाते हैं। इस तरह के अगर आपके पास सीट है तो ये ले लीजिए, अगर आपके पास सीट नहीं है तो जो आप सूट से निकलता है फॉर्म वो ले लीजिए, उससे भी बढ़िया बन जाएगा। इस तरह से रखते हुए इसकी गोलाई में इसको भी काट लेंगे, इस तरह से इसको भी रखेंगे और गोलाई में इसको कटिंग कर लेंगे, ताकि इसमें पैर में जब पहने तो मजबूत और कंफर्टेबल हो। इस तरह से गोलाई से काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी काट लिए हैं ताकि ये टाइट रहे, पहनने में कंफर्टेबल हो। ट्राई करेंगे और देखिए, इस तरह से हमारे पास पुराना तौलिया है उसको रखेंगे। अगर आप स्वेटर डालना चाहें अंदर से तो स्वेटर भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास पुराना तौलिया है तो इसी को अंदर से डाल देंगे, ताकि पहनने में गुदगुदा हो और थोड़ा मोटा भी हो जाए, अच्छा भी लगे। इस तरह से रखते हुए इसको भी गोलाई से कटिंग कर देंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको भी गोलाई से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको काट के पहले गोलाई से हटा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे लेयर को काट लिए हैं। अभी इस तरह से काट लीजिए, ये टॉवल को काट लिए हैं, ये देखिए ये जो हमारे शॉल का कपड़ा था वो काट लिए हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको बीच में रखेंगे, इसको बीचों बीच रखेंगे, ताकि ये जो पहने तो बहुत ही आराम लगे पहनने में। रखेंगे इस तरह से, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाद में इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से रख देंगे और इसको नीचे रख देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से रखते हुए, इस तरह से देखिए पिन फंसा देंगे, ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। इस तरह के पिन आपके पास है तो आप इस तरह से फंसा लीजिए, नहीं तो बड़ा बड़ा टाका सुई से लगा दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। इस तरह से देखिए फंसा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए कितने गदगदा सा बना लिए हैं। ये चार लेयर हो गया, दोनों में इस तरह से कर दिए हैं, पिन को फंसा दिए हैं। इसको सिलाई करेंगे, अभी आपको समझाएंगे। इसको भी साइड करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको ऊपर का पार्ट लेना समझा दें, ताकि जितना आप ढकना चाहें तो इतना ढक सकते हैं, इतना ढकना चाहें तो इतना, वो आपकी पसंद के ऊपर है। देखिए हम यहाँ लेंगे 5 इंच लेंगे, यहाँ तक हम ढकेंगे, अपने पैर का अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कितना ढकना चाहें। ये देखिए हम 5 इंच ले रहे हैं और यहाँ से लेंगे इसकी गोलाई देख लेंगे, तो ये हमारा साढ़े, यहाँ से गोलाई देखेंगे तो ये हमारा हो रहा है 5.5 इंच। ये 5 इंच है और ये 5.5 इंच है, भी आधा इंच सिलाई में जाएगी तो 5.5 इंच लंबाई भी ले लेंगे। इस तरह से 5.5 इंच लंबाई और 5.5 इंच चौड़ाई कपड़ा को ले लेंगे, चार लेयर में कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए 5.5 इंच
ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे 5.5 इंच। और ये बराबर से इसकी निशान लगा देंगे इस तरह से देखिए, और इसको कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 लेयर में काट दिए हैं। दोनों पैर का हम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ रहेगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इस तरह से करेंगे, इस तरह से दोनों को, चारों कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ 1 इंच देंगे, 1 से आधा इंच गोलाई देंगे। ये इस तरह से करते हुए इसको कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए कुछ शेप आ जाएगा। ये आगे में इस तरह से आप भी कर दीजिए, थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और अच्छे से। इस ये कोने पे भी 1 इंच का गोलाई देंगे इस तरह से, देखिए इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स इस तरह। हो गया फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको। पिन फंसा देंगे इस तरह से, देखिए ये 2 लेयर हो गया और ये 2 लेयर हो गया फ्रेंड्स। ध्यान से समझिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बड़ा सुई ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ है जो मोटा है, उसके लिए थोड़ा बड़ा सुई ले लीजिए। और इस तरह से धागा ले लेंगे और 4 लेयर में कर देंगे धागा को। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको बीच बीच में इसमें सिलाई लगा दें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सुई धागा के मदद से इसको इस तरह से हल्का हल्का टाका लगा दिए हैं इस तरह से, ताकि ये दब जाए। गोलाई में कर दिए हैं, सुई से लगा दिए हैं इस तरह से, सेम दोनों में लगा दिए। अभी इसी तरह से लगा लीजिए, और देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी सेम दोनों के एक में करते हुए इस तरह से सुई से कर दिए हैं, कर लिए हैं। अब इसको साइड करेंगे। अब इसमें काट लेंगे इस तरह से, 1.5 इंच के अंतर में काटना है इस तरह से। तिरछा कपड़ा काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तिरछी पट्टी काट लिए हैं 1.5 इंच के हिसाब से। अभी इस तरह से कटिंग कर लीजिए, देखिए काट लिए हैं। और इसको दोनों में करते हुए इसको इसमें इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे इस तरह से फ्रेंड्स, दोनों में इसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें पाइपिंग लगा दिए हैं। देखिए दोनों में सेम प्रोसेस किए हैं, इस तरह से लगा दिए हैं। अभी इस तरह से लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाती है। बीचों बीच रख देनी है इस तरह से, रखते इस तरह से देखिए, और इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, इस तरह इसी तरह से सुई चलाते हुए पूरे में सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको सिल दिए हैं दोनों में, सेम इसी तरह से प्रोसेस किए हैं। देखिए सिल दिए हैं, कितनी अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई हुई है। अब देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, पूरे पट्टी काटे इसको, देखिए यहाँ से लेते हुए, यहाँ बीच से लेना है। अब बीच से लेते हुए इसको इस तरह से, जिस तरह से ये पाइपिंग लगाए हैं सेम उसी तरह से, इस तरह से करते हुए पूरे गोलाई में पहले सिल देंगे, और फिर उसके बाद इस तरह से करते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। सेम पाइपिंग लगा देंगे इस तरह से, पाइपिंग लगा देंगे जिस तरह से इसमें किए हैं, सेम प्रोसेस ये साइडों में भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया बन के सुंदर तैयार हो गया। जिस तरह से यहाँ पाइपिंग लगाए उस तरह से देखिए, मोड़ते हुए अंदर की ओर करते हुए इसको सुई धागा से कर दिए हैं। बिल्कुल कम कपड़े में और बहुत ही कंफर्टेबल, देखिए कितनी मोटा और गदगदा सा स्लीपर बन के तैयार हुआ है। ये भी सॉल का कपड़ा है और बहुत ही सुंदर देखिए बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आपका गर्म चप्पल बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ भी डाउट है फ्रेंड्स तो कमेंट करके
अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।